समथिंग यू लव, तो मैं उनके लिए वही चाहूंगी, दोनों बच्चों के लिए जो उनको पसंद है वही वो करें। माधुरी जी एक और सवाल, बच्चों की बात हो रही है तो अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि आपके भी बच्चे और बहुत सारे बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं जब एग्जाम्स आते हैं। अरे बाप रे, मुझे टेंशन आ गया अभी, मैं सोच रही हूँ मेरे बेटे की अभी, यस ही हैज अ टेस्ट, ही हैज एन एग्जाम, क्यों टेंशन दे रहे हैं आज। आई थिंक बच्चों को भी टेंशन मत दीजिए ज़्यादा, प्यार से उन्हें पढ़ाइए, यू नो बच्चे शुड बी टॉट टू लर्न टू लर्न, मतलब उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, और ये नहीं कि यू नो 2+2=4 सभी को पता है, लेकिन उसमें मज़े से वो कैसे सीख सकते हैं उसी चीज़ को, आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड लुक फॉर। और जस्ट रिलैक्स, बच्चों को भी ज़्यादा प्रेशर ना डालें, जस्ट टॉक टू देम, जैसे मैंने कहा जो उनके, क्योंकि हर एक बच्चे की टैलेंट अलग होती है यू नो, और उस टैलेंट को आप रिकग्नाइज कीजिए। वेरी गुड, श्याम जी हमने एक्टर्स और विलन से तो सुन लिया, उन्होंने क्या कुछ प्रिपरेशंस की थी अपने एक्शंस के लिए, आपने क्या कुछ स्पेशल टिप्स दिए थे, किस तरीके से इन्हें प्रिपेयर करवाया था अपार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग, मेंटली कैसे प्रिपेयर करवाया था? आई थिंक मेरा क्या प्रोसेस होता है कि मेरे को कहानी और करेक्टर गाइड करते हैं कि इस फिल्म में एक्शन कैसा होना चाहिए, जैसा जो इसकी कहानी थी बहुत ही ग्राउंडेड, एक ऑर्गेनिक थी, उसी जगह पे प्लेस थी, तो कहानी और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली स्टार्टेड गाइडिंग में कि इसमें एक्शन जो है इस तरह का होना चाहिए, जहाँ पे शूट करना चाहिए, फिर डायरेक्टर इज देयर टू गाइड अस दिस थिंग। और फिर क्या होता है कि हम एज ए टेक्नीशियन हम लोग जो भी सोचते हैं या कंसीव करते हैं, फाइनली इट इज़ द एक्टर्स विच ब्रिंग इट टू द स्क्रीन, जो लोगों तक पहुँचता है उनके थ्रू पहुँचता है। तो आई थिंक अगर हम लोगों ने कुछ सोचा है, लेकिन उनका क्रेडिट जाता है एक्टरों की मेहनत को, जिन्होंने उनको स्क्रीन तक इतनी कन्विंसिंगली पहुँचाया है, एंड दे रियली वर्क सो हार्ड, सो हार्ड ऑन। हाय करण, हाय हाय हाय, असल कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी खास नज़र आ रहा है, काफ़ी खास। तो देखा जाए तो आपने करीबी से देखा है इंडस्ट्री को, और आज जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह के आज एक्टर हैं, कितने प्रिपेयर मानते हैं उसको, और क्या कुछ तैयारी आपने की हुई है पर्सनली आज की फिल्मों या एक्टर को बीट करने के लिए? अगर देखा जाए एक सेकंड, अगर मैंने मॉम को देखा तो यार कहा मुझे नज़र आ रही है मॉम, अच्छा वापस आपके प्रेयर्स के विदाउट हम यहाँ नहीं होते, लव यू मॉम। जी सर, या क्या क्या आपने कुछ पूछा था मुझसे, जो आज के दौर में जो फिल्में आ रही हैं, जी जी, जिस तरह प्रिपेयर हैं या तैयार हैं, उससे क्या कुछ तैयारी आपने की है बतौर एक्टर? जैसे कि मैं और अभी गणेश हम दोनों बात कर रहे थे, हम पहले ही चले गए थे बनारस अपना ये वर्कशॉप के लिए, एंड काफ़ी होटलों में ढाबों में हमने विजिट किया, वहाँ के मतलब वहाँ के जो वहाँ के लड़के उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए उनसे इंटरेक्ट भी किया, और वो क्या वो विक्रम ऑटो ही बहुत घूमे हम वहाँ पर। हाँ, ये हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं समर जी, ये भी वहाँ से ही हैं, बनारस कानपुर से ही हैं हमारे लैंग्वेज, तो हाँ इनके साथ साथ हम इनका एकदम जो बात करने का जो अंदाज है वो उधर से ही है, कानपुर से, तो इन्होंने भी हमारी मदद की इसमें। करण और गणेश, आप लोग स्क्रीन पे तो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन सेट्स पे कैसे रहते थे, अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन टाइम कैसी थी आपकी केमिस्ट्री? वही मैंने कहा कि श्याम जी को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी इसमें, तो हमेशा वो हमें आके सुबह ये कहते थे अभी बहुत प्यार व्यार होगा, हो गया अभी थोड़ा घुस जाओ कैरेक्टर में, तो एक्चुअली दोस्त बन गए थे हम लोग, और वो शूटिंग के दौरान वो जो वो एक टशन एक खुलनेस है ना, वो लेवल पे नहीं आ रहा था जो श्याम जी। अच्छा, तो दोस्ती तोड़वानी पड़ी? नहीं, तो हम बात कर रहे थे, तो हम डैनियल डे लुइस के बारे में बात कर रहे थे, तो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि वो लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिलते ही नहीं थे, तो मैंने कुन्नू से बोला कुन्नू दोस्ती एक तरफ, 4-5 दिन बात ही नहीं करते, ये प्रोसेस ट्राई करते हैं, तो प्रोसेस हमेशा इवॉल्व होता है, तो एक फिक्स प्रोसेस नहीं होता है हर पिक्चर के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिक चीज़ है, और वो वर्कआउट हो गई, बढ़िया वर्कआउट हो गया, इससे तो पंच खाया मैंने आपसे, तो के 2.5 किलो का हाथ जो देखा आपने ट्रेनर, मुझे पूछना 2.5 किलो से बड़ा इनके सर पे पड़ा ज्यादा ही है कुन्नू। शेखर जी इधर आपके राइट में, सो यू नो सिंस इट्स अ रीमेक हम सब जानते हैं, और ओरिजिनल में धनुष ने काम किया था, तो करण कितना टक्कर दे पाए एज कंपेयर टू, और कितने खरे उतर पाए कंपेयर की जाए? I saw the film, Lata Ban by Vikram Aran,
was very realistic film and very grounded film. When I met him, I told him, Karan, how would you shoot the film? I mean, that was, Dhanush looks like a very mother chawl missy. Do the chicken eye. That's the first question I asked him. Then, we had to make the film. And then, he really worked on the character, because he lived with the character for so long time. He called me, said, I want to do this film. Then, we, while writing the script, we made 8 versions. Like, while scripting the film, we took the family background in such a way, Guttu Shukla. He hails from a typical Brahmin community. So generally in Brahmin community, people are very fair in complexion. So we sorted that, you know, okay, fine, let's bring that as a background. And he worked very hard to, you know, yes, we fit in that well. Later, all the news about the film and all the Guttu Shukla ka characterization hai, ki wo मतलब केयरलेस रहता है, आई मीन गलियों में घूमता है, कहीं भी बैठ करता, ऑल दिस थिंग्स ही वेंट देयर प्रैक्टिकली उन लोगों के साथ बैठ के उन्होंने टाइम बिताया है. एंड ही कॉल्ड द कैरेक्टर, व्हेन यू सी द फिल्म, व्हेन यू सी हिज, आई मीन यू वुडंट बिलीव दैट ही इज द कैरेक्टर. ही प्लेड सच अ रियली रियलिस्टिक कैरेक्टर. सी, रंग में फिजिकल कैरेक्टराइजेशन इज वन थिंग, बट व्हेन यू गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन, यू विल सी रियल गुड्डू शुक्ला. So he really, we are very happy. And when it comes to the Hindi audiences, because we also watch Hollywood films, European cinema, Hindi cinema. So then, when it comes to Hindi audiences, we made script mein aise changes kiya ki it suits the Hindi sensibilities of the Hindi audiences. So that way, Karana suits this character the best. I'm sure about it. 100% sure. ये इस साल का सबसे चर्चित शो बिग बॉस रहा है. आपसे जानना चाहेंगे कि कभी अंदर जाना चाहेंगे घर के अंदर? मैं अभी फिलहाल यहाँ, ये सब बॉसेस जो हैं मेरे यहाँ पे और उनके साथ बैठी हुई हूँ और मज़ा यहाँ ले रही हूँ, तो मतलब इसकी बात करते हैं आज. हाय शेखर सर. हाय सर. या सो सर, अभी रीमेक की बात हो रही थी, हमने अक्सर देखा है कि रीजनल फिल्मों की रीमेक हिंदी में होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता बतौर फिल्म मेकर की जो हिंदी फिल्म मेकर हैं कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डरते हैं, इस वजह से वो साउथ फिल्मों या रीजनल फिल्मों की रीमेक करते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं. देयर आर वेरी गुड फिल्म्स बीइंग मेड इन बॉलीवुड, वेरी गुड फिल्म्स, ओरिजिनल. थिंग इज दैट, सी, फिल्म मेकिंग इज, आई डोंट टोटली से इट्स बिजनेस, इट्स आर्ट कम बिजनेस. सो व्हाट हैपेंस इज, व्हेन समथिंग इज प्रूव्ड, इट इज ईजी फॉर अ बिजनेसमैन टू कन्वर्ट इट इन आर्ट, एज सिंपल एज दैट. So most of the people in Bollywood, they make films, they agar achhi films kama bhi kaise nahi ki wo hit ho gaya usliye bana rahe, wo hit hua because content wo hit hua. See, we Asians, or more precisely Indians, we all have same emotions despite the fact that we are divided geographically. So aisa nahi ki Bollywood aise uthate, the content wo acha hai ya bana rahe, there's no problem making it. Thank you Sahil. म्यूजिक की अगर बात करें, जब आपको स्क्रिप्ट बताई थी, किस तरीके से आपने काम किया? गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस करण, एंड थैंक्स मिजा, थैंक यू, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी. एंड जब बात चल रही थी कि गन्स ऑफ बनारस करके पिक्चर बनाई जा रही है एंड उसका बैकग्राउंड बनारस है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आज के जो टाइम में जो गाने बनते हैं वो ज़्यादातर के इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बहुत होता है. सो दिस वॉज वन ऑफ दोज मूवीज़ के जहाँ वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूज़िक बनाना, और वो आजकल बहुत कम हो रहा है. तो ये एक बहुत एक्साइटिंग फिल्म रही टू क्रिएट म्यूज़िक. एंड जैसे कहते हैं ना, कॉम्पोजिशन और लिरिक्स, ये दोनों हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. तो मेरे साथ वन ऑफ द लेजेंड्स यहाँ हैं, समीर अंजान जी, आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज. And the entire team of Karan's of Banaras has been like a family. Whether it's Shaina, Karan, Shekhar, Rikuji, Ashok ji, तो हमेशा यही रहा है कि that they never told me कि hit गाना बनाना है. It was always what is true to the script. और luckily हम सब एक ही, we used to be on the same page while creating the songs. And ट्रेलर में भी आप गाने सुन रहे हैं, तो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इनफैक्ट
वी यूज टू ओके द सॉन्ग एंड ही यूज टू से मेरे को थोड़ा सा और टाइम दो मुझे और कुछ करने दो